एवरीवन गाइस, सो हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा बेस्ट, एकदम बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप लोग मुझे बताओ कि हाउ टू स्कोर 90+। अभी भी जो हमारे पास टाइम बचा है तो बोर्ड एग्जामिनेशन में हम किस तरीके से 90+ अचीव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आज मैं एकदम बेस्ट टाइम टेबल प्लस स्ट्रैटजी कैसे लानी है सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। ट्वेल्थ के लिए मैंने पहले स्ट्रैटजी बता दी है। आज ट्वेल्थ वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ देखेंगे कि उनको प्राइजेस में कुछ यहाँ पे अभी दिखाने वाला हूँ, कौन कौन से उन्हें प्राइजेस जीतने का मौका मिलने वाला है। तो ट्वेल्थ वाले सिर्फ प्राइज देख के चले जाएंगे, ट्वेल्थ और इलेवंथ वाले, ठीक है। और क्लास टेंथ वाले पूरा वीडियो को देखेंगे क्योंकि उनके लिए मैंने स्ट्रैटजी बताई है। एग्जैक्टली भाई कौन सी स्ट्रैटजी है सिर्फ उनके लिए यहाँ पे पूरी मिलेगी, टाइम टेबल स्ट्रैटजी कैसे साइंस पढ़ना है कैसे मैथ्स पढ़ना है सारी चीजें। ट्वेल्थ वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइजेस मिलने वाले हैं, सो वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे लास्ट तक और इलेवंथ वाले भी। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है आप लोग के लिए कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। ये बहुत ही बेस्ट, और मुझे तो नहीं पता परफेक्टली इसे किसने कहा है, बट जब भी मैंने इसे देखा है कि किसने कहा तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आता है, ठीक है। सो इसे तुम्हें समझ के रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, ये बात तुम्हें समझ के रखना है। ये छोड़ दो कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, ये छोड़ दो, अब क्या सुनना है, कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए, नहीं करोगे तो यही पड़े रहोगे, जहां इस वक्त हो वैसे ही रहोगे आज से 20 साल बाद भी, समझ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ करना है तो कुछ करना ही करे पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए, हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, विदाउट किए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। खाना अगर मुंह में डालना है तो पहले खाना बनाना पड़ता है, समझ गया, ये बात अपने माइंड में हमेशा बिठा के रखना। ओके, सो चलो, सो मैं अभी ट्वेल्थ वाले के लिए थोड़ा सा बस एक मिनट में आपको फटाफट प्राइजेस बता देता हूँ क्या क्या कैसे मिलेंगे, वो फटाफट जान लो। तो आप लोग प्राइजेस पा सकते हो, फर्स्ट रैंक पे जो आएगा उसे मैकबुक एयर मिल सकता है, मिलने का चांस है। आईफोन 11 मिल सकता है सेकंड विनर को, थर्ड विनर को जो हमारे पास आईपैड मिनी है वो मिल सकता है। 100 रैंक अगर जो भी ला सकते हैं, 100 रैंक तक टॉप 100 में जो आएगा उसे 1000 रुपीज का अमेजोन का वाउचर मिलेगा, जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है, ठीक है। और तुम्हें मौका मतलब बस तुम्हें इसके लिए सिर्फ करना क्या है, कम्पीट करना है बहुत ही बेस्ट लोगों से और तुम्हें बहुत सारी अमेजिंग प्राइजेस तुम्हें मिलेंगी। उसके लिए तुम्हें सिर्फ करना क्या है, मैं वो तुम्हें सिखाता हूं, यहां पे देख लो अच्छे से करना क्या एग्जैक्टली। तुम्हें अनअकैडमी सारी चीजें तुम्हें प्रोवाइड करने वाला है, और ये तुम्हें अनअकैडमी का जो कॉम्बैट यहां पे चालू हो रहा है उसे तुम्हें ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वहां पर जाकर तुम्हें क्लिक करना है, और उसके बाद तुम्हें JEE 10 का ये वाला रेफरल कोड इस्तेमाल करना है। अब तुम्हें इन प्राइजेस को पाने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें मैं एक बात बताता हूं, तुम्हें अनअकैडमी कॉम्बैट का ये एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें टॉप में आना पड़ेगा। और इसके लिए रूल क्या है, कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट क्या रहने वाला है, 21 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 45 मिनट्स तक चलेंगे, ठीक है। 3 सेक्शन होने वाले PCM और JEE जैसा स्कोरिंग मार्क्स इसमें रहने वाला है, 12th हो 11th हो और 13th कोई भी चलेगा, और हर संडे को इसकी पेपर होगी, हर संडे PCM का पेपर होगा। सिलेबस क्या रहेगा आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 13th जो भी जिसका क्लास है अपने अपने लिए सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सिलेबस यहाँ पे देख लो, सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली, इतना ही आएगा और इतने में से क्वेश्चन रहने वाले हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे और उनके आपको आंसर देने हैं। आपको इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी, लाइक आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, किस तरीके से तुम ग्रो कर रहे हो या तुमको कुछ आता है या नहीं आता सब पता कर सकते हो। और तो और तुम्हारे पास चैलेंजिंग क्वेश्चन आएंगे जिनको तुम एकदम मतलब बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जिनको तुम देख के एकदम मजा आएगा तुम्हें देखने में, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग, जैसे कि तुम एक साथ एक ही टाइम पे पूरा इंडिया एग्जाम देने वाला है तो उस वक्त ना तुम्हें पता चलेगा कि भाई मतलब हमारा क्या प्रोग्रेस है, हम कितने रैंक पे आ रहे हैं, रियल टाइम पे तुम्हें पता चलेगा, मतलब रियलिटी पे पता चलने वाला है। फिर और तो और तुम कंपीट विद बेस्ट, यानी कि दुनिया में जो इंडिया में बेस्ट लोग हैं उनसे तुम कंपीट करने का तुम्हें मौका मिलेगा। तो अगर प्राइजेस नहीं भी मिलते हैं तो तुम कम से कम कंपीट तो कर सकते हो ना यार, अपने आप को पीछे क्यों छोड़ते हो, तो कंपीट तो तुम लोग कर ही सकते हो, तो कंपीट करने का तुम्हें मौका मिल रहा है तो ये जरूर देखो। फिर उसी क्वेश्चन के जिसके तुम्हें आंसर नहीं पता होंगे तो उनका डिटेल तुमको एकदम बेस्ट मिलने वाला है विद द हेल्प ऑफ टॉप एजुकेटर्स, तो वो तुम्हें उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे उसी सेम क्वेश्चन का, तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बस तुम्हें उसके लिए करना क्या है, तुम्हें उसके लिए फटाफट अपने प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म जो है हमारा डाउनलोड करना है उसे, और डाउनलोड करने के बाद तुम्हें उसमें रजिस्टर करके मेरी वीडियो में वापस से आना है, और वहां पे तुम्हें एक लिंक मिलेगा, अनअकैडमी की लिंक मिलेगी कॉम्बैट वाली, उसी में तुमको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है, फटाफट इनरोल कर लेना है, ठीक है। तुम ऐसे इसको यहाँ पे इनरोल कर लोगे, ठीक है, और इनरोल करके तुम्हें ये टेस्ट देनी है, टेस्ट पास कर लोगे टॉप 100 में भी आते तो ये तुम्हें प्राइजेस मिल सकती है। फर्स्ट रैंक वाले को मैकबुक मिलेगा, सेकंड वाले को आईफोन 11 और थर्ड वाले को आईपैड मिनी। सभी लोग एग्जाम को दे सकते हो, जिसे भी देना है सब लोग दे सकते हो, ईच एंड एवरीवन कैन,
ठीक है ओके सो लेट्स बिगिन। अभी टेंथ वालों के लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, ट्वेल्थ वालों के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मान लीजिए यहाँ पे टेंथ के बच्चे जितने भी लोग यहाँ पे अवेलेबल हो, तुम्हें प्रॉब्लम होती है प्रिपरेशन करने में। इस वक्त तुम्हारा पेपर होने वाला, मई महीने में तुम्हारा पेपर होगा, ये बात तुम्हें समझ के रखनी है। प्रिपरेशन करने के लिए 6 महीने है तुम्हारे पास इस वक्त, अगर दिसंबर से काउंट करते हो, क्योंकि मई के लास्ट में पेपर होंगे या फिर जून में पेपर होंगे, अभी मतलब उसी एरिया में पेपर होगा ये फिक्स है। फरवरी में पेपर नहीं होंगे ऐसा बोला गया है, गवर्नमेंट ने बोला है। अब कल को न्यूज बदल जाती है तो उसका आइडिया अलग है, ठीक है। तो 6 महीना तुम्हारे पास इस वक्त अवेलेबल है, 6 महीना मतलब 180 दिन होते हैं, ये बात तुम्हें समझ के रखनी है। और तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ना है साइंस, मैथ्स, हिंदी, मराठी, इंग्लिश और SST, इतने सब्जेक्ट है तुम्हारे पास। अब तुम्हें करना क्या है, डरने की कोई बात नहीं है, इस वक्त भी तुम पढ़ोगे 90% ला सकते हो। मेरा खुद एक फ्रेंड था, मैंने 91 अचीव किया था टेंथ में, मुझे 91% थे, और मेरा एक फ्रेंड था उसे 94% थे, मेरे से भी बेस्ट, ठीक है। और उसने सिर्फ 4 महीने पढ़ाई की थी, 4 मंथ दिल लगा के उसने पढ़ा, उसे 94 मिले और मुझे 91 मिले थे, मैंने पूरे 6 to 7 months पढ़े थे। हालांकि मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, मुझे 9th में 69% थे, और जिसको 94 मिले ये 9th वगैरह में बहुत टॉपर लोग थे, ठीक है, ये लोग तो एक कहानी अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता दे रहा हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कितना है किसका कितना है, मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूं कि 3 से 4 महीने में पढ़ के भी बंदे 94 ला सकते हैं, तो तुम्हें डरने की बात नहीं है, 10वीं बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या क्या पढ़ोगे। देखो यार मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर तुम्हें दुनिया में सूरज जैसा चमकना है तो पहले उसके इतनी जलना भी पड़ेगा, उसके इतनी तुम्हें तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने शरीर को उतनी मेहनत में ढालना पड़ेगा यार, विदाउट उसके तुम कुछ नहीं अचीव कर पाओगे, समझ गया। तुम्हारे पास सिर्फ 180 दिन है और तुम्हारे साथ भगवान भी मेहरबान है, इसलिए तुम्हें कोरोना के चक्कर में तुम्हें ज्यादा टाइम दे दिया, इसका फायदा तुम उठा सकते हो, जितना फायदा हो सके अब उठा लो, अब भी जाग जाओ, समय है, टाइम है, अभी भी जाग जाओ, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पे 30 days तुम्हें देना पड़ेगा सिर्फ साइंस को, बाकियों के लिए कितना दिन देना मैं बताऊंगा। साइंस के लिए तुम्हें 30 दिन देना है, 30 दिन में साइंस 1 साइंस 2 तुम्हें कवर करना है, बहुत आसान है, मैं तुम्हें बताता हूँ। दोनों में 10-10 chapter है और दोनों के 10-10 chapter को तुम्हें ना खत्म करना है। अब खत्म कैसे करोगे, ध्यान देना अच्छे से, 10 chapter, 1 chapter को तुम्हें 2 दिन में खत्म करना है, ये बात तुम्हें समझ के रखनी है। अगर दो कुछ चैप्टर ऐसे जैसे कि साइंस 1 का लास्ट वाला मेटलर्जी हो गया, फिर साइंस 2 में चौथा चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 9 और 10, ये तो एक एक दिन में भी कवर हो जाएंगे, तो ये तुमको दिन यहां से मिल जाएगा। ऐसे कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको तुमने कुछ अभी भी पढ़ के रखा ही होगा, ऐसा तो नहीं कि तुम लल्लू हो, एकदम लल्लू तो हो नहीं, कुछ ना कुछ तो पढ़े रहोगे, 1-2 chapter तो तुमने याद किया ही होगा, ठीक है। तो सिर्फ तुम्हें 90 लाने के लिए सिर्फ क्या करना है ये ध्यान दो, जितना कहता हूं कसम से सिर्फ उतना ही करके जाओ, 90 से नीचे आया ना तो कह देना पक्का 90 आएगा। सिर्फ तुम्हें एक्सरसाइज करनी है पहले, चाहे साइंस 1 हो चाहे साइंस 2 हो, दोनों का एक्सरसाइज टिप ऑफ द टंग आंसर होना चाहिए एक्टिविटी के साथ। कोई भी क्वेश्चन किधर से भी पूछ लेना एक्सरसाइज का, तुम्हें दिमाग में तुम्हें तुरंत बैठ के फटक से आना चाहिए। ऐसी मेहनत करो कि कोई भी क्वेश्चन किधर से भी पूछ ले तुम्हें आना ही चाहिए। और अब मेहनत करने का समय है, कर लो यार मेहनत, बहुत आगे बढ़ोगे। तो अब तुमको सिर्फ यहां पर एक्सरसाइज करना है, फिर तुमको तुम्हारे पास नवनीत की डाइजेस्ट होगी या तुम्हारे पास टारगेट होगी, या तो नवनीत की 21 आती उसे खरीद लेना, और उसमें तुमको सारे MCQ याद कर लेने हैं, सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी रहेंगे सब ऑब्जेक्टिव करना है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव किसी को नहीं पता होता कहां से आएगा, तो सारा MCQ तुम्हें याद कर लेना है, सारा ईच एंड एवरी MCQ याद कर लेना है, सारा MCQ याद कर लोगे जितना भी तुम्हें दिया हुआ है सब तुम्हें एकदम याद कर लेना है। फिर साइंस 1 में तुम्हें चैप्टर नंबर 7 जो लेंस है, फिर चैप्टर नंबर 6 है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, फिर मेटलर्जी है जहां पे एल्यूमिना वगैरह दिया हुआ है, वहां के तुम्हें सारे डायग्राम याद करने हैं, केपलर्स लॉ का डायग्राम याद कर लेना है, ये सब तुम्हें साइंस 1 से ऐसे डायग्राम याद कर लेने हैं, समझ गया। साइंस 2 में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लर्न विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ तुम्हें सारी चीजें पढ़ाई करनी है साइंस 2 में, और डायग्राम भी तुम्हें ड्रॉ करना है। डायग्राम जैसे कि तुम देख सकते हो साइंस 2 में ज्यादा डायग्राम आता है। 2018 के पेपर में जानते हो क्या आया था, चैप्टर नंबर 5 से वो न्यूक्लियर फिजन वाली डायग्राम आई थी। 2019 के पेपर में जानते हो कौन सा आया था, चैप्टर नंबर 7 और 6 में से डायग्राम आए थे। तो सिर्फ डायग्राम तुम्हें पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइटोसिस मियोसिस के डायग्राम, फिर ऐसे ही तुमको रिप्रोडक्शन के डायग्राम, फिर उसके बाद तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम, चैप्टर नंबर 6 में बहुत सारे डायग्राम है, चैप्टर नंबर 6 के बाद तो किधर भी डायग्राम नहीं मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 में डायग्राम है, चैप्टर नंबर 7 में भी डायग्राम है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में, लैंड फिलिंग साइट्स आया था, मालूम है कि नहीं मालूम, उठा के पुराना पेपर देख लो, लैंड फिलिंग साइट्स आया था उसे पढ़ लो, डायग्राम आया था। तो डायग्राम साइंस 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी डायग्राम है 10-15 करीबन रहेगी, 10-15 की 15 पूरे डायग्राम को आपको अच्छे से याद कर लेना है।
डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस टू के लिए, बच्चा वही टॉप करेगा जो डायग्राम पढ़ के जाएगा। तो मेरा बताना काम है, आपका करना काम है। तो आपको एग्जाम्पल के साथ साथ और डायग्राम के साथ साथ पढ़ना है। हर क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ट्राई करना ऐसे, और फिर आप टॉप कर दोगे साइंस में। 30 दिन में एम बनाओ कि करो, कम से कम यार 20 चैप्टर, 15 चैप्टर तो 30 दिन में खत्म ही कर सकते हो। अगर 15 चैप्टर हो गया तो 85 से ऊपर तुम्हारा कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। ये बात तुम्हें समझ के रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में तुम लोग क्या करोगे, साइंस में जितना बताया उतना ही फॉलो करना, आगे बढ़ जाओगे बहुत सारा। एक्सरसाइज को छोड़ के मत जाना, चाहे कोई भी चैप्टर हो, एक्सरसाइज अच्छे से करके जाओगे, ये बात तुम्हें अच्छे से समझ के रखनी है, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, एक्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल, जो कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, एक बात ध्यान से सुन लो। मेरे खुद ही मैथमेटिक्स में 98 थे 100 में से, तो जब मैं उतने ला सकता हूं तो मैं आपको अपनी अपनी खुद की स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। आप ध्यान दो, दुनिया में कहीं का भी लेक्चर हो, चाहे ऑनलाइन लेक्चर हो चाहे कोई टीचर का हो, सिर्फ एक बार ही देखो, बार बार मत देखो, टाइम पास होगा, पहली बात ध्यान रखना। दूसरी बात, आपको एक डाइजेस्ट खरीदनी है, चाहे जो भी हो, जब विदाउट डाइजेस्ट मैथ्स मत करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एक बार ही किसी भी टीचर का वीडियो या उसका लेक्चर अटेंड करो। अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो वीडियो देख लेना, अगर कोई और कुछ करते तो वो देख लेना, एक ही बार देखना है। दूसरी बार तुम्हें डाइजेस्ट का इस्तेमाल करना है। पहले बार एक बार तुमने उसकी वीडियो देख ली, या किसी टीचर के लेक्चर में तुम ट्यूशन में लगा लिया कहीं पर भी, एक बार पढ़ने के बाद तुम्हें ट्रिक्स टिप्स कैसे करना है सब मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हें उसी क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करने के लिए ना हाथ से लिख लिख के प्रैक्टिस मत करो, बहुत टाइम चला जाएगा यार, बहुत टाइम चला जाएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, और मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करवाना आपसे। आप डाइजेस्ट में ही उसका सॉल्यूशंस को पढ़ो, सॉल्यूशन को सिर्फ समझो, कैसे कोई भी स्टेप आया है उसे समझो। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वही बातें आपको समझ के रखनी, चाहे अलजेब्रा हो चाहे ज्योमेट्री हो, दोनों में सबसे पहले आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। जितना भी एक्सरसाइज में दिया है उसे सब करना है। अब रिड्यूस वाला मत करना, रिड्यूस वाला जो है उसे नहीं पढ़ना आपको। देन उसके बाद आपको सॉल्व एग्जांपल करनी है। जब आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन हो जाएगा ना, तभी सॉल्व एग्जांपल में हाथ लगाना, उससे पहले हाथ मत लगाना। पहले सॉल्व एग्जांपल के पहले एक्सरसाइज, देन आपको सॉल्व एग्जांपल। उसके बाद आपके पास हॉर्ट्स के प्रैक्टिस सेट आती है, हॉर्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं उन्हें आपको करना है, और जितना हो सके इसे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, डाइजेस्ट का इस्तेमाल करके, जो चाहे ज्योमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री अलजेब्रा दोनों को याद रखना। ज्योमेट्री में जो कंस्ट्रक्शन है उसी को सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बार बार, बाकी किसी को प्रैक्टिस नहीं करनी, बाकी सिर्फ आपको डाइजेस्ट में से क्वेश्चन के आंसर्स को उनको बस तुम्हें एक बार रीड करना है, कौन सा स्टेप कैसे आया समझना है। क्योंकि कर करके देखोगे ना तो अच्छी बात है, लेकिन अब समय कम है इसके लिए, कर करके देखने का टाइम गया। अब तुम्हें सिर्फ उसको रीड करके उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, कौन से स्टेप के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आया और वो कैसे आया, बस यही पढ़ना है तुम्हें। समझ गया? एक बार लेक्चर देख लोगे सब समझ जाएगा, दूसरी बात बस उसी को बार बार रिवाइज करना है। हर संडे रिवीजन चाहिए ही चाहिए, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, नहीं तो भूल जाएगा पढ़ने के बाद। मेरे को मालूम है बच्चों को भूल जाता है, तो भूलता सबको है, दुनिया में किस इंसान को नहीं भूलता, जरा आप बताओगे मुझे? सबको भूलती है, एक बीमारी होती है, लेकिन जो टॉप करता है वो बार बार रिवाइज करता है। क्या तुम रिवाइज करते हो हर संडे? नहीं ना, अब से रिवाइज करोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अभी अब आगे बढ़ता हूं। लैंग्वेज में क्या करोगे, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, तीनों लैंग्वेज में एक ही काम करना है। सिर्फ इंग्लिश के लिए तुम्हें क्या करना है, अलग से एक राइटिंग स्किल की बुक खरीद लेना, कोई भी, बहुत सारी है, या ग्रामर की कोई बुक खरीद लेना जिसमें तुमको ऐसे राइटिंग की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको कहता हूं ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करने से अच्छा ऐसे को रीड करना स्टार्ट करो, 2, 4, 10, 15 ऐसे ऐसे कहानियों, जैसे जब फ्री टाइम में बैठते हो तो बुक उठा के उनकी ऐसे को पढ़ डालो। नवनीत की बहुत सारी राइटिंग स्किल की बुक आती है, उन्हीं को उठा लो और ऐसे की बुक्स को बस तुम लोग को पढ़ना है। ये मत देखो कौन सी बुक बेस्ट होती है, सब बुक बेस्ट होती है, तुम किससे अच्छा पढ़ सकते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारे के सारे जितने भी ऐसे की बुक्स है तुम्हारे पास, सारे के सारे ऐसे की बुक्स को बस तुम्हें एक बार रीड करना है, कहानियों जैसे उन्हें रीड करना है। समझ गया? लेटर राइटिंग को रीड करना है, कैसे फॉर्मेट है उसको याद करना है। समझ गया? ये तुम्हें इंग्लिश में करना। और ग्रामर तो यार कोई टीचर आपको बोले कि इसको इस तरीके से कर लो, छोटा शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, जो ही चांस नहीं है, आपको ग्रामर में मेहनत करनी पड़ती है, मालूम है। तो आपको सबसे पहले स्टेप, आपको मैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, कोई भी लैंग्वेज में पहले उस चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। विदाउट चैप्टर को रीड किए तुम आगे बढ़ नहीं सकते हो और तुम टॉप भी नहीं कर पाओगे दुनिया में। तो पहले तुमको एक बार चैप्टर को रीड करना ही करना पड़ेगा, ये बात समझ, चाहे हिंदी मराठी और इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे संस्कृत भी भले हो, सब सब्जेक्ट को तुम्हें रीड करना पड़ेगा। और एक बार रीड करने के बाद उसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा कि उस चैप्टर में आखिर है क्या चीज़ें, कौन सी कहानी है, स्टोरी है, क्या है उस चैप्टर में, वो आपको रीड करना पड़ेगा। रीड करने के बाद देन आपको ग्रामर करना है और उसके कॉन्सेप्ट को लर्न करना है, मतलब कि कॉन्सेप्ट को ग्रामर के लर्न करना है, कब कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, चेंज द वॉइस और चेंज द फिगर ऑफ स्पीच, सारी चीजें कैसे, आर्टिकल्स, सब आपको ये ग्रामर सेक्शन में करना पड़ेगा।
ठीक है, और ग्रामर आपको करना ही पड़ेगा। ग्रामर कम से कम 1 से 2 दिन में हो जाता है, 4 से 5 दिन में भी ग्रामर आराम से हो जाता है। फास्ट लर्नर जो 90 वाले बच्चे होते हैं वो इजिली फटाफट कर लेते हैं, जो नहीं कर पाते उन्हें 10 दिन लगेगा, लेकिन हो जाता है। ठीक है, और मैं पढ़ने में बहुत वीक था, मुझे तो 2 महीने लग गए थे करने में, ठीक है, लेकिन मैं रोज 1-1 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन तुम मेरे से वीक नहीं रहोगे, तुम्हें आराम से 10 दिन में हो जाएगा, 10-20 दिन में तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस सेट खरीदनी है, एक प्रैक्टिस सेट आती है दिसंबर महीने में दुकान में, सब में प्रैक्टिस सेट नवनीत की मिल जाती है, जिसे 5-5 पेपर के सेट होते हैं, आई होप आपके एरिया में भी प्रेजेंट होगी। तो उस प्रैक्टिस सेट को आपको उठाना है और क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। जब आपका पढ़ के हो जाएगा ना, तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, रोज क्वेश्चन पेपर ही आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं हम लोग एसएसटी में। एसएसटी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। अब हिस्ट्री देखो, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हिस्ट्री में भी आपको सबसे पहले सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन लर्न करने हैं। एक्सरसाइज लर्न हो गया ना, आपका 80 से 90% पढ़ के हो जाता है बाबा, मेरी बात मानो ना। ठीक है, और वैसे यहाँ पे ज्योग्राफी में भी आपको एक्सरसाइज करनी है पहले, ये जब हो जाएगा तो ही दूसरी बातों पे फोकस करना। ठीक है, तो एक्सरसाइज पहले, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, दोनों में एक्सरसाइज याद करनी है। फर्क क्या है, सिर्फ आपको हिस्ट्री में डेट को ज्यादा लर्न करनी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहाँ हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, जापान में कब एटॉमिक बम फोड़ा, कभी अपने इंडिया को आजादी मिली, कभी महाराष्ट्र में क्या सिस्टम हुआ, सारी चीजें आपको तभी पढ़नी है। व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी, ये सब डेफिनेशन वगैरह सब आपको लर्न करने हैं। समझ गया, डेट्स को आपको लर्न करना है। और ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, आपको मैपिंग पढ़नी है। व्हाट इज दी, व्हाट अबाउट इंडियाज मैप, व्हाट अबाउट महाराष्ट्र का मैप, आपको इस तरीके से मैपिंग, हिमालयन रीजन क्या है, कहां कहां पे गंगा का प्लेटू, सारी चीजें जो रीजन है वो ज्योग्राफी के मैप को आपको ध्यान से पढ़ना है। लेबलिंग के साथ मैप को अंडरस्टैंडिंग करनी है, इंडिया के मैप को बनाना स्टार्ट आपको करना है। क्या करना है आपको, इंडिया के मैप को आपको बनाना स्टार्ट करना है। समझ गए कि नहीं समझ गए, इस तरीके से अब मैंने ऐसे फटाफट में बनाया है, आपको वैसे इंडिया के मैप को आपको बनाना शुरू करना है, और आपको रोज इंडिया के मैप को बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जो भी आपके पास मैप है, जो भी एक्सरसाइज में मैपिंग आती है, उसे मैप आप बनाओ, ट्राई करो, आपको नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा आपका। और हिस्ट्री को आपको बार बार रिवाइज करना है, रिवीजन हर संडे करना है, ये बात ध्यान रखना, संडे को सिर्फ रिवीजन टाइम दे दो। चलो अब आपको टाइम टेबल देता हूं मैं, टाइम टेबल मॉर्निंग में आपको 5 बजे उठना है। अब आपकी कॉलेज स्कूल कब है आप जानो, उस हिसाब से यहाँ पे जो मैंने टाइमिंग दी है, उस टाइमिंग में जो घंटे है ना, उन घंटों को आप बाकी टाइम पे यूटिलाइज कर लो। अगर मैंने बोला मान लो कि 12 बजे से 3 बजे या 10 बजे से 12 बजे तक आपका स्कूल है, तो आप ये 2 घंटे जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिसिंग मैथ्स बोला है, इस वक्त आपको इसका टाइम कहीं और जगह इस्तेमाल करना है। समझ गया, तो आप फिर रात में इसका इस्तेमाल कर लो या और कभी करो, बट ये 2 घंटे इस्तेमाल करना है। अभी टाइम टेबल मैंने दिया है, इतने घंटे आपको पढ़ने को देना पड़ेगा। तो 5 बजे उठना है, 8 बजे तक पढ़ना है, स्टडी करनी है, लर्न करने हैं एक्सरसाइज को। क्या करना है यहाँ पे, सुबह सुबह उठ के लर्निंग एक्सरसाइज, साइंस से स्टार्ट करना, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना, मैथमेटिक्स नहीं करने हैं यहाँ पे। ठीक है, मॉर्निंग में सिर्फ लर्निंग करना है, फिर मजे करना 8 बजे के बाद, 9-10 अभी तो छुट्टी है ना, तो 9 और 10 बजे तक तुमको क्या करना है, इंजॉय, फ्रेश होना है, मॉर्निंग का खाना खाना है, मस्त अच्छे से पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ भगवान की कर लो, मम्मी पापा के पैर छू लो मस्त। और 10 बजे से 12 बजे तक तुमको क्या करना है, फिर प्रैक्टिसिंग मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए मैंने बोला ना, वीडियो लेक्चर या कहीं के भी जो देखते हो देखो, और उसके बाद प्रैक्टिस में क्या करना है, मैथ्स, या फिर अब तो हो गया ना देख के, अब वीडियो लेक्चर देख के फायदा नहीं है, अब कुछ मत देखो, अब सिर्फ साइंस देखो, साइंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई ऐसा कह रहा हूं जानते हो ना, क्योंकि साइंस भूल जाता है, मैथ्स एक बार करने से याद रहता है, ये बात तुमको दिमाग में अपने बिठा लेनी है। मैथमेटिक्स आसान होता है एज कंपेयर टू साइंस, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपको सिर्फ डाइजेस्ट में से प्रैक्टिस करनी है, और साइंस जितने बार हो सके सब कुछ देखना है। मैंने साइंस की सारी वीडियोस बना के रख दी है, आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, क्लिक करके नई वीडियो देख सकते हो, न्यू वीडियोस देख सकते हो, नया वीडियो बनाया मैंने, न्यू। ठीक है, पूरा लाइन से। तो 12 बजे तक पढ़ना है, फिर 12 बजे के बाद आपको लंच करना है, खाना खाना है, सो जाना है, 3 बजे तक आपको सोना है। समझ गया अच्छे से, देखो लंच एंड स्लीप करना है आपको, और उसके बाद आपको फिर से 3 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ना है। तो स्टडी और लर्निंग आपको इस टाइम पे करनी है। क्या करना है, लर्निंग, चाहे हिस्ट्री उठा लो या ज्योग्राफी उठा लो या राइटिंग स्किल उठा लो, इंग्लिश ग्रामर की वो उठा सकते हो, 3 बजे से 6 बजे तक आपको यही करना है। फिर 6 से 8 बजे तक वॉकिंग पे चले जाओ, थोड़ा सा टहल लो, टहलने के बाद एंजॉय करो, थोड़ा सा हैप्पीनेस, थोड़ा डांसिंग करना है डांसिंग कर लो, स्पोर्ट्स कर लो, खेल कूद लो, जो करना है, सिंगिंग करते हो सिंगिंग करो, एंजॉय करो लाइफ को इस टाइम पे 2 घंटे मस्त, 3 घंटे जो भी आपको दिया है मैंने, इससे आपका
स्किल पढ़ाई के अलावा अदर डेवलपमेंट होगा स्किल का। मेरे टीचर ऐसे कराते थे, मैंने आपको बता दिया, मेरे सर ऐसे करवाते थे, हम लोग वो करते भी थे, वो अभी भी करते हैं हम लोग, तो मैंने आपको वही बताया है। उसके बाद आपको 8 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या करना है, 8 बजे से 11 बजे तक आपको फिर स्टडी करनी है रात में 11 PM तक, और प्रैक्टिस और रिविजन करना है इस वक्त रोज का रिविजन 8 बजे से 11 बजे तक जो दिन भर में पढ़ाई की है उसी के सिर्फ रिवाइज करना है, उसी का क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन 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 आपको दुनिया में सबसे बेस्ट बना देगा, आपको कोई चीज भूलने नहीं देगा। आपने सपोज साइंस में लर्निंग की एक्सरसाइज को पहला चैप्टर ग्रेविटेशन या दूसरा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किया, उसको आपको 8 बजे से 11 बजे के बीच में रिवाइज करना है, समझ गया। इस तरीके से आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। याद रहे, विदाउट हार्डवर्क यू कैन नॉट अचीव सक्सेस, ये दुनिया का रूल है, ये अर्थ में रहने वाले हर इंसान के लिए रूल है। विदाउट हार्डवर्क सक्सेस मिल ही नहीं सकती है, और अगर बाय चांस मिल भी गई तो वो तुम्हारे लक पे होने वाला है। तो पहली सक्सेस लक पे मिलेगी, दूसरी सक्सेस कभी लक पे नहीं मिलेगी, ये बात तुम्हें समझ के रखना है। हार्डवर्क की आदत लगा लो, और अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा अब तुम्हें, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा, ओके। और एक बात ध्यान रखना, असफलता के बाद हमेशा सफलता ही आती है, चाहे जो हो जाए। अनसक्सेसफुल 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 के बाद सक्सेसफुल 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 ही होने वाले हो, चाहे जो भी हो जाए, तो सक्सेसफुल तो होने ही वाले हो, भले अभी कितनी भी असफलताएं तुम्हारे पास आ रही हैं, एक दिन सफलता आएगी ही आएगी, मेहनत बस करते रहना है। तो मिलेंगे ऐसे ही और कभी, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।